दोस्तों आप देख रहे हैं आप और हमारा अपना रक्षण यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है, खास तरह की वीडियो जो अटैक हुआ है ना ग्वादर पोर्ट पर BLN के, उस पर उस टॉपिक पर ये वीडियो देखते हैं, खास तरह इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जय हिंद। देखिए अभी हमारे पड़ोस में पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, ये तीनों को हम गोल्डन क्रेसेट कहते हैं। गोल्डन क्रेसेट इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ अफीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि ईरान के पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट आने के बाद अफगानिस्तान अफीम उत्पादन में पीछे रह गया। अफीम उत्पादन पर तालिबान ने प्रतिबंध लगाया, एक काम ठीक किया उसने कि अफीम उत्पादन में, क्योंकि यहाँ अफीम उत्पादन होगा इनडायरेक्टली स्मगलिंग होकर पंजाब के रास्ते भारत में घुस जाता है और पंजाब इस सब मामले में एकदम त्रस्त हो गया था। तो तालिबान ने अफीम पर प्रतिबंध लगाया, जिस कारण पूर्वोत्तर में देखेंगे तो म्यांमार अभी दुनिया में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन वाला देश बन गया है। अभी इन तीनों देश में इस गोल्डन क्रेसेट में एक खास करके आतंकवादी संगठनों को लेकर ये तीनों देश आपस में लड़ रहे हैं, सब तीनों देश लड़ रहे हैं सब। यहाँ पे इस एरिया में एक आतंकवादी संगठन है तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसे हम पाकिस्तान का तालिबान कहते हैं। उसका कहना है कि यहाँ लोकतंत्र की सरकार हटाओ, जैसे अफगानिस्तान में तालिबान आया है उसी तरह पाकिस्तान में तालिबान रहेगा, उसका नाम रहेगा TTP, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और ये लोग यहाँ पर आतंक हमले करते हैं और अफगानिस्तान में भाग जाते हैं, अफगानिस्तान में भाग जाएंगे। और यहाँ पर अगर पाकिस्तान कुछ कार्रवाई करेगा तो अफगानिस्तान इन लोग के ऊपर कार्रवाई करने लगता है, कहता है कि आप हमारी सीमा में क्यों चले गए। तो पाकिस्तान अपने ऊपरी भाग में इस एरिया में TTP से परेशान है। वही अगर इसको देखेंगे निचले भाग में तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा जो राज्य है वो बलूचिस्तान है, और ये बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान में है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। इसका कहना है कि हम पाकिस्तान में ही नहीं रहेंगे, इस सूत्र का कहना है कि हम सरिया कानून लगेगा, इसका कहना है हम पाकिस्तान में नहीं रहेंगे। तो ये पाकिस्तान में ना चाइना की नाक में दम कर रखा है, चाइना का यहाँ ग्वादर बंदरगाह बना है, यहाँ के सारे इंजीनियर को मार के भगा दिए हैं। यहाँ कोई चाइनीज काम करने आता है BLA वाले मार के उड़ा देते हैं सर। चाइना यहाँ पे एक सड़क लेके आ रहा है CPEC सड़क, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये भारत के POK के होते हुए जा रहा है। हालांकि भारत ने इस पर विरोध जताया कि आप हमारे एरिया से क्यों लेके जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एरिया तो चाइना पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, इसलिए वहां से CPEC लेके चला गया। तो ये BLA वाले जो हैं ये चाइना के लिए भी सरदर्द बन गए हैं सब और पाकिस्तान के लिए भी सरदर्द बन के रह गए हैं सब। अब BLA वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमला करते हैं, पाकिस्तानी आर्मी को मार के उड़ा देते हैं सब यहाँ पर, और उसके बाद भाग जाते हैं सब ईरान में। ईरान की इस राज का नाम है सिस्तान, ईरान की इस राज का नाम है सिस्तान राज है, सिस्तान। अब समझिए ध्यान से, सिस्तान की एक अलग समस्या है। पाकिस्तान कहता है कि भाई तुम्हारे यहाँ भाग के चले आए सब। अब सिस्तान क्या कहता है, सिस्तान में ना ये एरिया में सुन्नी ज़्यादा रहते हैं, सुन्नी बहुल एरिया है सिस्तान ये वाला एरिया, और ये शिया बहुल है। सिस्तान वालों का कहना है कि हम ईरान में नहीं रहेंगे, तो ये ईरान में मारते हैं सब, अब पाकिस्तान में भाग आते हैं सब। तो मतलब इधर का आतंकवादी भागा इधर और इधर का आतंकवादी भागा इधर, तो ये लोग आतंकवादियों का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। तो इस पे बम मार रहा है, ये इस पे मार रहा है, ये इस पे मार रहा है, ये इस पे मार रहा है, यहाँ पे गजब ही सब भयानक उलझा हुआ है सब अभी के डेट में। तो ये लोग हैं लोग भाई हम लोग के लिए, तो भाई हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, जाओ भाई मारो और बढ़िया से मारो, तुमको एकदम ऊपर वाला तुमको एकदम और ताकत दे दे, मारो इस शुरू को यहाँ पर। तो पाकिस्तान में तहरीके तालिबान TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये यहाँ पर इस एरिया में बहुत ज़्यादा बड़े आतंकवादी हमलों को अंजाम देता है यहाँ पर। अभी हालिया घटना में यहाँ एक जगह है मीर अली, पाकिस्तान के इस एरिया में है मीर अली, यहाँ पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान वालों ने हमला किया और 7 आर्मी जवानों को मार दिया, जिसमें एक कर्नल और एक कैप्टन समेत 7 जवान शहीद हो गए यहाँ पर। 2014 में ना ये TTP वालों ने इसी एरिया में पेशावर के पास एक मिलिट्री स्कूल पर आक्रमण कर दिया था, और मिलिट्री स्कूल पर जो आर्मी अफसर के बच्चे पढ़ रहे थे उन लोगों को मारा था। तो ये एरिया काफी अशांत है, जिस वजह मारने के बाद ये अफगानिस्तान में घुस गए। जब ये अफगानिस्तान में घुस गए तो जेन्युइन बात है कि पाकिस्तानी आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, पाकिस्तान बदला लेगा ही लेगा। तो यहाँ पर जैसे हम लोग ने पुलवामा के बाद घुस के मार दिए थे वहाँ पर, वैसे ये लोग भी कहे कि भाई हम अफगानिस्तान में घुस के मारेंगे, और यहाँ की आर्मी जो थी अफगानिस्तान में घुस गई, यहाँ से अफगानिस्तान में जाके बम्बार्डमेंट करके चले आए सब। अब अफगानिस्तान में है तालिबान की सरकार, तालिबान का कहना है कि तुम हमारे यहाँ बम्बार्डमेंट किया है, हमारे यहाँ कई सिविलियन मारे गए, आम जनता मारी गई, बम गिरा के चला गया, अब हम तुमको बदला लेंगे। यहाँ पे अब तालिबान वालों ने अपनी पूरी सेना लगा दी है,
अब ये वही तालिबान वाले हैं जो अमेरिका को मार के भगाए हैं सब, 10 साल लड़ के रसिया को मार के भगा दिया सब, और 20 साल लड़ के ये लोग भगा दिए सब यूएसए को। अफगानिस्तान को कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ द एम्पायर, बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ भाग के गए हैं। अंग्रेज जब हम लोग के शासन करते थे तो इसे बहुत पहले ही स्वतंत्र कर दिए थे, भाई हटाओ इसको, यहाँ पे बवाली है सभी सब। सिकंदर यहाँ लड़ रहा था तो उसकी माँ पूछी कि 3 साल से तुम एक जगह यहाँ पे काहे लड़ रहा है, तो सिकंदर कहा कि भाई ये उटपटांग जगह है यहाँ पे। इन लोग को ना अफगानिस्तान वालों को जीडीपी, ह्यूमन ग्रोथ, इंफ्रा कोई मतलब नहीं, बस मारो ससुरों को। अब ये यहाँ पे लगा दिया, पूरी अफगानिस्तान वाली सेना लगा दी है सब यहाँ पे, और अफगानिस्तान में जो अभी तालिबान है उसके पास एकदम लेटेस्ट हथियार है, वो अमेरिका वाले हथियारों को यूज कर रहे हैं सब वहाँ पर। तो इस एरिया में अब पाकिस्तान क्या करे, तो पाकिस्तान यहाँ पे अपने टैंक्स को खड़ा किया। हालिया में पाकिस्तान चाइना की मदद से टैंक बनाया, चाइना की मदद से पाकिस्तान ने एक टैंक बनाया और उस टैंक का नाम रखा हैदर टैंक, चाइना हैदर टैंक यहाँ पे, जबकि ये चाइनीज टैंक है, इसका नाम बदला गया हैदर टैंक। चाइना इस टैंक को यूज नहीं करता है, वो पुराना हो गया तो चाइना इसको दे दिया। ये क्या किया, उसका ढांचा वाचा बदल के उसके नाम रख दिया हैदर टैंक। अभी टैंक वो अपने से चल जा रहा है, रखे रखे अपने से फायर कर दे रहा है। उसका हैदर टैंक पागल हो गया है, मार रहा है तो निशाना गलत लग जा रहा है। अभी चाइना, अभी सोचिए उसको अफगानिस्तान के बॉर्डर पे इसकी जरूरत है, उसका मेन बैटल टैंक पागल हो गया है, अपने से फायरिंग कर रहा है, पाकिस्तान पूरी तरह परेशान हो गया। अब लोग चाइनीज सामान तो क्या होगा, ये सब चाइनीज सब कुछ भरोसा है यहाँ चाइनीज का, और ये लोग बैंड पार्टी वाले सब, नहीं बैंड पार्टी नहीं है ये, उसका आर्मी प्रमुख है यहाँ पे, हालांकि यह सब हम लोग का ये वाला ड्रेस हमारे यहाँ बैंड वाला पहनता है। आगे समझते हैं, अब पाकिस्तान का ये एरिया तो देखें, अब बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सबसे बड़ा राज्य है बलूचिस्तान, ये वाला एरिया में। इस बलूचिस्तान की अलग समस्या है, बलोच लोगों का, पाकिस्तान बलोचों पे बड़ा जुल्म करता है यहाँ पे, बलोच इसे मार के भाग गए हैं ईरान में। अब ईरान में भागे सब, पाकिस्तान का मन बढ़ा था, पाकिस्तान ने हमला कर दिया ईरान के ऊपर, पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ईरान ने कहा कि भैया हम भी तुमको मारेंगे, ईरान बोलता है कि हम भी तुम्हें मारेंगे यहाँ पर, तो ईरान भी भड़क गया है इन लोग के ऊपर यहाँ पर। हालांकि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी वालों का, बीएलए वालों का कहना है कि जब तक ये बलूचिस्तान अलग नहीं हो जाता है यहाँ पर हमले जारी रहेंगे, और यही बलूचिस्तान वालों का है। नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि बलूचिस्तान वाले लोगों को हम अकेले नहीं छोड़ सकते, और हम लोग भी कहते हैं कि बलोच वाले लोग हम आपके साथ खड़े हैं, एकदम रहिए यहाँ पे। और बलोच वालों को हम याद दिलाना चाहते हैं अपने बलोच भाइयों को कि 1971 करना, हम लोग बांग्लादेश के साथ खड़े थे, पूर्वी पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान से तोड़ लिए लोग, उसी तरह हम लोग इस बार भी बलोच वालों के साथ खड़े हैं। भाई हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं बलोच के साथ हैं, तो हम लोग को क्या दिक्कत है, हम तो वैसे भी रहेंगे, मारो ससुरो इसको यहां पे। अब ये मार के भाग जाते हैं ईरान में, अब ये हमला कर दिया ईरान के ऊपर, बस ईरान उठा तो मार दिया इसके ऊपर यहां पर, तो ये बलोच वाला समस्या हो गया। ईरान के पास ये एरिया का नाम है सिस्तान, ईरान के पास इस एरिया का नाम है सिस्तान। हालांकि सिस्तान में सुन्नी बहुल एरिया है, वो इन पे हमला कर देते हैं, और जब ये आता है तो ये लोग भाग आते हैं बलूचिस्तान वाले एरिया में। हालांकि हमारे लिए सिस्तान का एरिया शांत रहना जरूरी है, क्योंकि भारत ने यहाँ चाबहार बंदरगाह बनाया है, और इस चाबहार बंदरगाह से हम लोग जाहेदान तक रेलवे लाइन ले जाएंगे, और यहाँ से फिर कंधार और काबुल तक रेलवे लाइन ले जाएंगे। ये रेलवे लाइन बहुत जरूरी है यहाँ तक, इसके बाद हम दुशांबे तक ले जाएंगे। यहाँ एरिया में जैसे हम लोग अपना ले जाएंगे, तो दुशांबे में हमारा यहाँ एयरफोर्स स्टेशन है, हमारी यहाँ वायुसेना रहती है, और ये वायुसेना इतनी जरूरी इसलिए है कि चाइना भले बड़ा देश है, लेकिन चाइना का जितना ऑयल रिजर्व है, ऑयल के कुएं जो स्टोरेज है, वो सारा यहाँ है। यहाँ से एयरफोर्स अगर इस पर आक्रमण कर देती है, पूरा इसका ऑयल सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा ईंधन वाले एरिया पर कब्जा करके रखना जरूरी होता है। तो काफी ज्यादा दोनों देशों के बीच इस मामले में अभी टेंशन चल रहा है। हालांकि नई गवर्नमेंट के आने के बाद दोनों देशों ने एक्सेप्ट किया है कि यहाँ से ना इधर कोई उग्रवादी संगठन आए, ना यहाँ से इधर आए। लेकिन भैया ये पाकिस्तान, इसका निर्माण ही हुआ गलत तरीके से करके, आतंकवादियों ने ही इसका निर्माण किया, और यहाँ पे ना वो TTP मानने वाला है। अब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, सब अशांति रहे। और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पे महंगाई अपने चरम पे पहुंच गया, IMF बेल आउट पैकेज पे पैकेज दिए जा रहा है, चाइना का लोन अपने हाई टर्म्स बढ़ गया, इसके बाद भी ये सोच रहा अपने लिए 5th जनरेशन का जहाज खरीद रहा है। इसके बावजूद ही ससुरों को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हमला करेंगे। यहाँ पे किसी भी जगह पे सबसे जरूरी होती है इकोनॉमी।
हमेशा इकोनॉमी अगर रहेगी तो कोई भी देश करेगा। रसिया टूट गया इकोनॉमी की वजह से, चाइना आज राज कर रहा है इकोनॉमी की वजह से। पैसा नहीं रहेगा तो सब तबाह हो जाएंगे, पैसा पे ध्यान ही नहीं दे रहा। हालांकि नई गवर्नमेंट भी आई है वो सेना के हिसाब से ही आई है, वहाँ पे पिट्ठू सरकार है यहाँ पे, इसलिए पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट उससे बात करना भी नहीं चाहता, क्योंकि किससे बात करेगा, सेना का ही वहाँ दबदबा होता है, सेना से कोई डायरेक्ट बात नहीं करता है। आई होप आप इस टॉपिक को समझे होंगे, और नीट वाले विद्यार्थी आप लोगों के लिए और नीट और जेई वालों के लिए, आप सब लोग के लिए 6 अप्रैल को पटना के बापू सभागार में, 6 अप्रैल पटना के बापू सभागार में एक बड़ा आयोजन किया जाएगा, और वहां सारे टीचर आएंगे आपको, जितने आपको पढ़ाने वाले होंगे, और अब आप लोग को कोटा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां से बेस्ट टीचर आपको आएंगे, और 6 अप्रैल को बापू सभागार यहाँ पर आप लोग इवनिंग 3 PM पे आप लोग आएंगे वहां पर। तो जी दोस्तों वीडियो भी खत्म। खान सर पाकिस्तान अफगानिस्तान और ईरान को गोल्डन क्रिसेंट बोल रहे थे, क्यों? क्योंकि अफीम की वजह से। ये वाकई तीनों कंट्री के अंदर ये जो गांजा चरस अफीम है ना, ये बहुत ज्यादा चलता है अब। लेकिन वो कह रहे थे म्यांमार नंबर ले गया, म्यांमार में सबसे ज्यादा अफीम ज्यादा, हालांकि वो भी एक मुस्लिम कंट्री। देखो यार मुस्लिम कंट्री, मुस्लिम के अंदर ये अफीम या चरस या नशे वाली चीज़ें मना है, वह करते हैं। ये है हमारा ईमान, ये है हमारी मुसलमानियत, ये है हमारे सारी अच्छाइयाँ। जिस चीज़ से रोका वही हम सब रगड़े से करते हैं। अफगानिस्तान नंबर वन पे होगा, क्योंकि अफगानिस्तान आपको पता है जो पठान है ना, ये इनका नशे के बगैर गुजारे नहीं होता। आप आम से सिंपल मिसाल आपको पता होगा, जो हम उसको आम जुबान में गुल खान वगैरह जिसम कहते हैं ना, जैसे गुठली में बना निस्वार वो रखते हैं, तो ये इनका एक नशे के बगैर गुजारा नहीं होता। अफीम वगैरह ये मतलब जितने भी नशे सारे करते हैं सिवाय शराब के, शराब नहीं पीते अक्सर, मैंने देखा है। बाकी सब ये पाउडर अफीम चर्स वगैरह सब पीते रहते हैं। अफगानिस्तान में इसकी बकायदा काश्तकारी होती है, और पाकिस्तान में होती थी लेकिन उस पर पाबंदी लगा दी गई थी हुकूमत की तरफ से। लेकिन अच्छा अब जो खान सर ने इन्फॉर्मेशन दी ना, पहले नहीं पता थी, मैं तो हंस पड़ा था, मुझे इस पर तवज्जो भी हो रहा है। वाकई पहले नहीं पता कि जो सिस्तान वाला इलाका, सिस्तान जो इलाका है वो उसमें सुनी संगठन है या सुनी ग्रुप है। दरी बात है जो शिया है वो मतलब के ईरान बाकी सारा शिया है। अब जो सुनी सिस्तान इलाका है वो चाहते हैं कि हम इंडिया अपना ईरान के साथ ना, वो अपना अलग इलाका चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, ये एक अलग बात है। तो वो अटैक करते हैं ईरान पर, और बीएलए जो वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते बलूचिस्तान में, मतलब जब सिस्तान में अटैक करते हैं ना, सिस्तान वाले अटैक करते हैं ईरान में, वो भाग कर आ जाते हैं पाकिस्तान में। सिस्तान जो है ना भाई वो यार क्या सीन है, सिस्तान जो है ना वो है उस तरफ ईरान वाली, वही ना मैं सिस्तान ईरान ही बोल रहा हूँ, इधर के है ना बलोच, जो इधर बलोच रहते हैं, चेक करो ना, वो हमला करते हैं ईरान वाली साइड, वो भाग पाकिस्तान आ जाते हैं हमला करके। हाँ। ये जो बीएलए वाले ये पाकिस्तान में हमला करके उधर भाग जाते हैं, ये दोनों कंट्री में फंसी हुई, तो इस वजह से जो ईरान है वो पाकिस्तान पे अटैक करता है और पाकिस्तान वाले जो वो उधर अटैक। मुझे नहीं लगता कि अब ये मसला हल होगा, क्यों? क्योंकि जो रिलीजन कन्फ्लिक्ट होता है ना, या फिरका वारिद जो मसला होता है उसका कोई हल नहीं होता। शिया सुन्नी कन्फ्लिक्ट बहुत पुराना है, ये आज का नहीं है, और शिया सुन्नी को काफर कहते हैं, सुन्नी शियाओं को काफर कहते हैं, और ये ऐसा मसला है जिसका कोई हल नहीं है। इसके पीछे कोई रोशो नहीं है, इसके पीछे आपके अपने ईमान की कमजोरियां हैं, इसके पीछे आपके अपने फ़िरका वारियत है, ठीक है, जिसके बारे में कहा गया कि आप फिर तफरके में मत फैलना, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लेना। लेकिन ये इसमें कोई इंडिया कोई दूसरी कंट्री शामिल नहीं है, ये मुसलमान ही मुसलमान का गला काट रहा है, ये आज की नहीं है। कुफी ने भी तो मुसलमानों इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के गले काटे थे। बिल्कुल सच बात है ये, क्या उस वक्त भी किसी हिंदुओं की या यहूदियों की साजिश थी? मौला अली को शहीद किया गया मस्जिद के अंदर, क्या उस वक्त भी यहूदियों की साजिश थी? हज़रत इमाम हुसैन को कूफी ने बुलाकर शहीद करवाया, क्या उस वक्त भी यहूदियों या ईसाइयों की साजिश थी? ये खुद ही ऐसे हैं, इनके अंदर ही फतूर है सारा, इसके अंदर पाकिस्तान के लोगों में असल में बात भाई पता है क्या है? बात ये है कि जितने भी ये फिरके हैं ना, हर फिरका जो है वो अपने आप को दूसरों फिरकों से अफजल समझता है, ऊपर समझता है, तो यही होता है, और यही वजह है इनकी लड़ाइयों की, इनके झगड़ों की। आपस में जो मुद्दा है ना इनका आपस में लड़ाई का, वो यही होता है
कि ये हर जो है ना फिरका, अच्छा। जैसे शिया है वो सुन्नी उसे अफजल समझते हैं, सुन्नी जो है वो सबसे अपने आप को अफजल समझते हैं, तो ऐसे ही ये चल रहा है। दूसरा ये पॉइंट अपना खान साहब ने उठाया कि रशिया 10 साल 20 साल अमेरिका उधर रहा। सिकंदर आजम की भी बात की, सिकंदर आजम हालांकि पूरी दुनिया का फाता फाते इधर आकर उसने भी जूते खाए, जूते खाने ही होते से कहते हैं कि वो कितना 3 साल वो अपनी वालदा ने पूछा कि इतना क्या होता कारण होगा 3 साल हो गए मतलब तो ये किस किस्म के लोग हैं, तो वो वापस राह ले लिया क्योंकि इनको GDP तरक्की या बाकी इनको नहीं फ़र्क पड़ता। ये जो कोचे होते हैं ना, हम इनको कोचे बोलते हैं पठानों को पख्तूनों को कोचे, ये मेंटली पैदल ही होते हैं, अक्सर 90% पैदल होते हैं, हाइपर जल्दी हो जाते हैं और मारना गला काटना तो उनके लिए इस तरह जैसे गाजर या मूली काटना। वाकई इनको मुल्क की तरक्की से डेवलपमेंट से कोई लेन देन नहीं होता। फिर आपके सामने यह मतलब कि कितने साल वो लड़ते रहे हैं, पहले USSR के साथ फिर यूनाइटेड स्टेट के साथ, यूएसए के साथ, तो आप देखो लड़ना है तो उसे लड़ना नहीं, नहीं, नहीं पे रहा यार, यार जब वो हमला करते हैं पीठ पीछे वो वार करते हैं, जब आर्मी वगैरह निकलती है तो चढ़ के गारों में छुप के वो पीछे से वार करते हैं और फिर बाहर के पहाड़ों में छुप जाते हैं, तो इसको हमला नहीं कहते ना, इसको कहते हैं कि कामयाबी है, ये एक बुजदलाना वार होता है। अच्छा पीछे से करते फिर हैं। पाकिस्तान ने, मैं तो ये सुन के हैरान रह गया खान सके, जो वो हैदर टैंक है वो अपनी आप फाइल खड़ा खड़ा कैसे कर सकता है अपने आप, खान साहब तो ये कह रहे थे वो खड़ा खड़ा खुद ही फायर कर देता, निशाना चला मार लेते, निशाना एग्जैक्ट नहीं लगता, टारगेट सेट की कर नहीं, जो टैंक खड़ा है ना उसको किसी ने ऑपरेट कोई भी नहीं कर रहा, वो अपने आप फायर कैसे कर सकता, ये तो एक ऐसी बात करते जो अकल में नहीं आ रहा है। बता रहे हैं कि यानी कि ये खराब है, जैसे हैक नहीं हो जाता है तो खुद ही खुद खुद ब खुद चलने लग पड़ता है, खुद काम करता है, इस तरह इनको बताया ये चाइना का लिया, चाइना का था, चाइना ने इसको यूज नहीं किया तो इसको पाकिस्तान को दे दिया, पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत इसकी जो मरम्मत की और इसको अपनी जो आर्मी में इसको शामिल कर लिया। मैं ये बात अकल में नहीं आ रही, खैर हो सकता उसमें हैक करने वाली क्या, नहीं मैं वैसे खान सर की बात कर रहा हूँ कि उनका मुताबिक क्या था कि खुद ब खुद ही चल रहा है। चलो निशाने पर पॉइंट पर जगह निशाना ना लगना, बम ना लगाए वो बात समझ में आती है, अपने आप टैंक का फायर करना मुझे समझ में नहीं आया, मशीन खुद ब खुद काम कैसे कर सकती है। चलो आगे एक और मतलब तुमने पॉइंट उठाया, पाकिस्तान खुद भूख से मार रहा है और हम 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीदना चाह रहे हैं, खरीद रहे हैं, सही है भाई, जहाँ पर हमारी आर्मी जा रही है, जब अगर हमारे मुल्क की आएगी ना दफा पे बात तो फिर अगर खाने को नहीं आटा, नहीं आटा क्यों नहीं है, पंजाबी में कहावत दी जाती है पल्ले नहीं तेला तो कर दी मेला मेला, पल्ले हमारे को तेला नहीं है, फूटी कौड़ी नहीं है और हम सारे के साथ डिफेंस पर डिफेंस डिफेंस में, और वो डिफेंस ऐसी डिफेंस है ग्वादर में कभी उड़ा देते हैं, कभी वो वजीरिस्तान में उड़ा देते हैं, कभी वो गिलगित में उड़ा देते हैं, कभी वो पता है कहाँ कहाँ हर जगह उड़ रहे हैं क्या, कभी क्वेटा में मस्जिदों में धमाके हो जाते हैं, ये हमारे डिफेंस है। तो भाई हमारी आर्मी की पॉलिसी का फेलियर है ना, नहीं तो डिफेंस तो हमारा बिल्कुल स्ट्रांग है लेकिन उनकी पॉलिसी सही नहीं है, या वो अपना स्ट्रांग है, अब आप अपनी पोर्ट को सेफ कर नहीं रहे, BLA को ठोकने पर आए तो ये तो ठोको ना, कुछ किस तरह वो ठोक रहे तुम क्यों नहीं ठोक रहे, एक हफ्ते में पता ही नहीं है आपको, वो जाओ एक हफ्ते में और जाओ, ज्यादा बता दिया ATP नहीं हुई खत्म, BLA नहीं खत्म हुई, कितनी अपने पास से छोड़े आए ना, खत्म कर दिया, आप एक हफ्ते की बात कर रहे हो, क्यों नहीं कर सकते। चलो जी खैर कुछ नई जानकारी मिली सिस्तान वाले ईरान वाले, ये मुझे पहले नहीं पता था, अच्छी वीडियो थी, शानदार वीडियो थी, आपको भी अच्छी लगी, मिलते हैं लाइक से कर दे, मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, अब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।